चंपई सोरेन नया संगठन बनाएंगे और शायद बीजेपी के साथ उनका गठबंधन भी होगा। ऐसे में चंपई सोरेन से काफ़ी कम मतों से हारने वाले हमारे साथ इस समय वो प्रत्याशी हैं जो सरायकेला में उनको गंभीर चुनौती दे चुके हैं। ऐसे में उनसे बात करते हैं। अब बताइए कि क्या असर पड़ेगा अगर चंपई दा नया संगठन बनाते हैं तो कोल्हान के इलाके में क्या असर होगा? निश्चित रूप से चंपई सोरेन जी अगर अपना नया संगठन बनाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को काफ़ी असर पड़ेगा। चंपई सोरेन का एक व्यक्तिगत अपना कोल्हान में एक पहचान है, आदिवासी समाज के बीच में एक मजबूत पकड़ है, और जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज होकर अगर अलग संगठन बनाते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी से गठबंधन की भी बातें हो रही हैं कि भाजपा के साथ उनके दल का गठबंधन भी होगा, तो ऐसे में गणेश माली तो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। देखिए, हमारा पार्टी आलाकमान का आदेश है, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर के साथ अगर गठबंधन भी करता है तो कोई बात नहीं है। पार्टी जो आदेश करेगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते उस आदेश को हम लोग सम्मान करते हुए हम लोग आगे काम करेंगे हमारा पार्टी को जीत सुनिश्चित करने के लिए, और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपना पूरा तम आपका तन मन धन से समर्पित होकर पार्टी के लिए हम लोग काम करेंगे। गणेश जी, ये बताइए कि जो चंपई सोरेन हैं वो सरायकेला में ही प्रभाव रखते हैं या कोल्हान में जो 14 सीटें हैं उन 14 सीटों पर भी असर पड़ेगा? निश्चित रूप से हमारे इस राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे और हमारे सरायकेला विधानसभा के कई बार का विधायक भी है, उनका व्यक्तिगत रूप से पूरा कोल्हान में अपना व्यक्तिगत पकड़ है, संगठन से हट के भी उनका अपना व्यक्तिगत उनका काफ़ी लोग है, और निश्चित रूप से अगर उनका अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से हट के अगर अलग संगठन बनाता तो सबसे ज़्यादा नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को पड़ने वाला है। बीजेपी को भी तो नुकसान होगा, जो पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं उनका तो हक मारी हो जाएगी अगर गठबंधन होगा तो। अभी गठबंधन होना नहीं होना अभी उसको कहा नहीं जा सकता है, जब चुनाव का घोषणा होगा और पार्टी का जो स्ट्रेंथ होगा, पार्टी जो डिसीजन लेगा और पार्टी का डिसीजन में किसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन एक बात कहते हैं चंपई सोरेन फिर रहे हैं कोल्हान के इलाके में कि मेरा ये अपमान हुआ, क्या वाकई में ये जनता समझ पा रही है कि कोल्हान की जनता कि उनका अपमान हुआ है, हेमंत सोरेन ने उनका अपमान किया है? निश्चित रूप से उनका अपमान हुआ, पूरा झारखंड के जनता इस चीज़ को महसूस कर रहा है। जिस तरह आपका हेमंत सोरेन जी जेल से आने के बाद उसको तुरंत उसको मुख्यमंत्री पद से हटाकर आपका उसका कई सरकारी कार्यक्रमों को स्थगित कर देना, ये निश्चित रूप से चंपई सोरेन जी का अपमान हुआ है। एक वो जमीनी नेता, आंदोलनकारी नेता है, झारखंड अलग राज्य का आंदोलन में उसका अग्रणी भूमिका रहा है, और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस तरह का डिसीजन लिया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको अपमानित करने का काम। ये एक अंतिम सवाल है और व्यक्तिगत सवाल भी है कि चंपई सोरेन से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनका मुकाबला भी कर चुके हैं, काफ़ी कम मतों से आप हारे भी थे वहाँ पे, ये बताइए कि चंपई सोरेन को बीजेपी में लाना उचित होगा या संगठन अलग बनाकर वो राजनीति करेंगे, वहाँ गठबंधन करना उचित होगा? एक जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है उस नाते बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा जो आला कमान है और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा केंद्र नेतृत्व का जो आदेश होगा उस आदेश को मानना हमारा। लेकिन आपका क्या विचार है? पार्टी जो एक बार गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहेगा तो निश्चित रूप से उसको सम्मान करना हमारा काम है, हम पार्टी का सिपाही होने के नाते हमारा कर्तव्य है। जिस दल के साथ हमारा पार्टी गठबंधन करेगा, मलाल तो रहेगा चुनाव नहीं लड़ने का। अरे देखो, हम लोग पार्टी क्या कर करता है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना हमारा केंद्र नेतृत्व और वो प्रदेश नेतृत्व तय करता है। अगर प्रदेश नेतृत्व अगर हम लोग को चुनाव लड़ाना चाहे तो कहीं से भी चुनाव लड़ा सकता है, ऐसा थोड़ी कि सरायकेला से चुनाव लड़ना है। पार्टी हम लोग को जहाँ उचित समझेगा, जहाँ फिट समझेगा वहाँ से चुनाव लड़ेगा, या पार्टी में चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो हम लोग तो हमारे कैंडिडेट को चुनाव जिताने का काम करेंगे। ये गणेश माली थे और सरायकेला में काफ़ी चिर प्रतिद्वंदी हैं चंपई सोरेन के, और ऐसे में ये भी बता रहे हैं कि जो इलाका है कोल्हान का, कोल्हान के इलाके में निश्चित रूप से चंपई सोरेन की नई पार्टी बनाने से बड़ा फर्क झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो पड़ेगा ही। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।